21 साल से काम कर रहा हूँ, इसमें से 6 साल में सिर्फ मेक इन इंडिया में, बाकी सब पहले इंपोर्ट करते थे, हम भी खुद भी इंपोर्ट करते, अच्छा इंपोर्ट करते थे। तो हम एक बार फ्लाइट में थे, एक प्रोफेसर मिले हमें, तो उन्होंने बड़ा रूडली हमें बोला, यार तुम पूरा यूथ इंडिया का सिर्फ इंपोर्ट करने में लगा है, तो तुम क्या कमाओगे? इवन इफ यू अर्न 500 करोड़ रुपीज, तो क्या है आपका औकात दुनिया में? डे बाई डे कम हो रहा था। तो जब मैंने शुरू किया था डॉलर 35 रुपए का था, जिस दिन वो प्रोफेसर ने बात बोली थी उस दिन डॉलर 55 रुपए का था, और आज 79 है। आपको हमारे इसमें से प्रोडक्ट सारे मेक इन इंडिया मिलेंगे, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमें यहाँ से लेने ही चाहिए, ऐसे बढ़ते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके लिए शायद न्यूज में आप सुनते भी होंगे कि सब लगे सिलिकॉन बनाने में, ओपन सेल बनाने में, जो बनता नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वो करना पड़ता है, उसके अलावा पूरा का पूरा हमारा सारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, हम सब कुछ यह बनाते हैं। ये था डेफिनेटली हमारा इमोशनल रीजन। मैं नहीं, मेरे साथ के 5 दोस्त हो रहे हैं जो सब मेक इन इंडिया में लगे हुए हैं, और ये आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप हमारा सहयोग पूरा देंगे कि मेक इन इंडिया को हम कामयाब कर पाएं। जो प्रोडक्ट इसके अलावा भी आपको लगता है इंडिया बना सकते हैं, वो बनाने को तैयार है। तो आप इसमें एक भावना के साथ जरूर जुड़िएगा कि ये इंडियन प्रोडक्ट है जिसको हम मेक इन इंडिया में हम आगे लेके जाएंगे, हमने तो ये ठाना हुआ है, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। इसके अलावा कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, विलेट एज अ ब्रांड 1999 से है केबल के अंदर। केबल का जो कॉन्सेप्ट, जब केबल ऑपरेटर ने केबल शुरू किया था तब विलेट आ गया था, तो आज काफी लंबा टाइम हो गया, एक नोन ब्रांड है केबल इंडस्ट्री में। अगर आप लोगों में से कोई केबल से जुड़ा है, केबल में हम बहुत नोन है। 2013 में सेट टॉप बॉक्स आया, तब इंडिया में कोई सेट टॉप बॉक्स बनाता नहीं था और हम मेक इन इंडिया से जूझ रहे थे, हमने सेट टॉप बॉक्स बनाना शुरू किया, इंडिया की ओनली 3rd कंपनी जिसने सेट टॉप बॉक्स यहाँ पर बनाया। अगर आप लोग के शायद किसी के घर में